बच्चों आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ में हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे थे, स्वास्थ्य एवं रोग, उसमें दूसरा रोग पढ़ने जा रहे हैं फाइलेरिया रोग या फाइलेरियसिस या एलिफेंटियसिस या इसी को हाथी पांव भी कहते हैं, फिर पांव। बच्चों यह रोग का ट्रांसमिशन संचरण क्यूलेक्स मॉस्किटो द्वारा होता है, क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, और जिस लार्वा के कारण होता है माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। क्या है? माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। इस लार्वा जब मच्छर मनुष्य को काटता है तो ये लार्वा उसकी लार ग्रंथियों से मनुष्य की त्वचा ब्लड वेसल्स में पहुंच जाते हैं, और जब संक्रमित व्यक्ति को मच्छर काटता है रात्रि के समय तो ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा संक्रमित रक्त से मच्छर की मुखगुहा में जब रक्त चूसता है तो वहां पहुंचते हैं। यही क्रम चलता रहता है। बच्चों इसका इन्फेक्शन संक्रमण इन्फेक्टेड वाटर ड्रिंकिंग संक्रमित जल के पीने से होता है। प्रदूषित जल संक्रमित जल का जब हम प्रयोग करते हैं तो फाइलेरिसिस एलिफेंटियसिस के शिकार हो जाते हैं। डिजीज काज बाई निमाइटोड, यह रोग एक निमाइटोड के कारण होता है, जिस निमाइटोड का नाम है वाउचेरिया वैंकोफ्टाई। क्या है? इस निमाइटोड का नाम है वाउचेरिया वैंकोफ्टाई। ये डाइजेंटिक पैरासाइट है, द्विपोषी परजीवी है। क्या है? डाइजेंटिक पैरासाइट। आपको बताया गया है, मालूम है कि पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक जो है मोनोजेंटिक एक डाइजेंटिक, एक पोषी और द्विपोषी। मोनोजेंटिक पैरासाइट में वह जीव एक ही पोषक पर अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेता है, और जब पैरासाइट दो होस्ट की रिक्वायरमेंट रखता है, दो पोषकों की आवश्यकता उसे पड़ती है अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए, तो ऐसे पैरासाइट को डाइजेंटिक द्विपोषी पैरासाइट कहते हैं। तो बच्चों वाउचेरिया वैंकोफ्टाई जो निमाइटोड है वो डाइजेंटिक पैरासाइट है। दिस पैरासाइट या परजीवी प्रेजेंट होता का लिम्फ डक्ट लसिका वाहिनियों में। कहां होता है? ये लसिका वाहिनियों में उपस्थित होता है, ब्लड के लिम्फ डक्ट में लसिका वाहिनियों में उपस्थित होता है। पैरासाइट कॉज डिजीज, इस परजीवी की दोनों अवस्थाओं से जो रोग उत्पन्न होता है, लिविंग एंड डेड कंडीशन, लिविंग जीवित और डेड मृत अवस्था, दोनों अवस्थाओं में ये रोग उत्पन्न करता है। पैरासाइट कॉज डिजीज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग या डेड कंडीशन, दोनों अवस्था में ये रोग उत्पन्न करता है। लिविंग स्टेज जो जीवित अवस्था होती है, सजीव अवस्था में फाइलेरियसिस या एलिफेंटियसिस या इसी को हाथी पांव रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी पांव रोग। बच्चों जब ये पैरासाइट वाउचेरिया वैंकोफ्टाई लिम्फ वेसल्स लसिका वाहिनियों के इंडोथीलियम कोशिकाओं में प्रवेश करता है, तब लिम्फ वेसल्स में जब प्रवेश करता है तो लिम्फ वेसल की इंडोथीलियम सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड एंड रीडिवाइड विभाजित होती हैं और पुनः विभाजित होकर के फॉर्म सेल वॉल थिक उसकी कोशिका भित्ति को मोटी करती जाती हैं। डिवाइड होकर के इंडोथीलियम सेल और उसकी कोशिका भित्ति को मोटी करती जाती हैं लिम्फ वेसल्स के, जिसके कारण स्वेलिंग हो जाती है। इस रोग के प्रारंभ में हल्का बुखार, लाइट फीवर, खांसी तथा लिम्फ नोड में पेन होता है। क्या होता है? लिम्फ नोड में पेन, दर्द पूरे शरीर में। अब लिम्फ नोड टिश्यू जो होते हैं, लिम्फ नोड टिश्यू जैसे लीवर यकृत है, स्प्लीन प्लीहा है, टेस्टिस वृषण है और लेग पैर है, इन सब में स्वाइलिंग सूजन आ जाती है और ये फूल करके लार्ज साइज अपने आकार में वृद्धि कर लेते हैं।
इसी अवस्था में ट्यूमर अवस्था या ट्यूमर होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो बच्चों याद रखेंगे कि फाइलेसिस रोग के प्रारंभ में व्यक्ति को हल्का बुखार, खांसी आती है और पूरे शरीर में दर्द होता है। लिम्फ नोड की जो उतक होते हैं, लिम्फ नोड उतक जैसे लीवर, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर है, स्प्लीन जिसको ब्लड बैंक कहते हैं, टेस्टिस जो आपके मेल सेक्स ऑर्गन में स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग लेती है, इन सब में सूजन हो जाता है, लीवर में सूजन हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, स्प्लीन जो है प्लीहा में सूजन आ जाता है और विषाणु कोशों में सूजन आ जाता है और पैर की मांसपेशियां स्वेल कर जाती हैं जिसको हाथी पांव के नाम से जानते हैं। और इस अवस्था में ट्यूमर स्थित भी हो सकती है। बच्चों ये फाइलेसिस डिजीज, फाइलेरिया रोग जो है, डायजेनेटिक जो पोषद है वाउचेरिया वाइनकोप्टाई, इसका जो लार्वा है माइक्रोफाइलेरिया, ये लार्वा माइक्रोफाइलेरिया के द्वारा होता है। मच्छर जब अपनी तीसरी अवस्था में होता है तब इस रोग का संचरण फैलाव होता है। इस माइक्रोफाइलेरिया लार्वा उस क्यूलेक्स मच्छर के लार ग्रंथियों से एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड वेसल्स में पहुंच जाते हैं। और मच्छर को ये लार्वा प्राप्त कैसे होते हैं, रात्रि के समय जब संक्रमित व्यक्ति के ब्लड वेसल से ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा जो है स्किन वेसल्स स्किन तक आ जाते हैं और जब मच्छर उस संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो उसके जो है स्लेवरी ग्लैंड में जो रक्त जाता है उस रक्त के माध्यम से ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा पहुंच जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये डाइजेंटिक द्विपोषी जीवन चक्र पूर्ण करता है। आगे इसका कंट्रोल हम लोग, हाँ बच्चों, फाइलेरिया जो रोग है या हाथी पांव एलिफेंटेसिस, इसके कंट्रोल के लिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है जिसके संचरण होता है उससे बचें, अच्छा मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर के काटने से बचें और इसके लार्वा को नष्ट करें। अब माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को नष्ट करने के लिए आर्सेनिक, बच्चों आर्सेनिक युक्त एक मेडिसिन है, दवा है MSZ। इस लार्वा को नष्ट करने के लिए डाइमिथाइल कार्बोमोनोजोन ज्वाइन, डाइमिथाइल कार्बोमोनोज्वाइन मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है संक्रामक लार्वा के लिए जो एकदम जोनाइल स्टेज में हो, संक्रमण के लिए प्रिपेयर हो, उसके लिए पैरामल माइनिलीन फिनाइल स्टीबोनेट का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए सार्वजनिक रूप से नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाए कि किस तरह से फाइलेरिया डिजीज से हम लोग बचें। तो सबसे पहले लार्वा को नष्ट करना हमारा मुख्य उद्देश्य है और लार्वा तभी नष्ट होगा जब क्यूलेक्स मॉस्किटो क्यूलेक्स मच्छर को नष्ट करेंगे। अब बच्चों इसके लाइफ साइकिल, इसके जीवन चक्र के समरी के रूप में एक फिगर है, फिगर में आप ध्यान से देखेंगे हम उसको समझा दे रहे हैं अच्छी तरह से। बच्चों हम लोग जानते हैं कि ये फाइलेरिसिस डिजीज वाउचेरिया वाइनकोप्टाई नामक निमाइटोड से होता है और यह निमाइटोड डाइजेंटिक पैरासाइट है, द्विपोषी परजीवी है। दोस टाइप ऑफ पैरासाइट विच कंप्लीटेड और लाइफ साइकिल ऑन टू होस्ट इज नोन एज डाइजेंटिक पैरासाइट। ऐसे परजीवी जो अपना जीवन चक्र दो पोषदों पर पूर्ण करते हैं उनको द्विपोषी परजीवी कहते हैं। तो वाउचेरिया वाइनकोप्टाई जो निमाइटोड है ये डाइजेंटिक पैरासाइट है और मनुष्य और क्यूलेक्स मॉस्किटो पर अपना जीवन चक्र
पूर्ण करता है दोनों के। अब इसी में देखिए ह्यूमन होस्ट जो है इसका एडल्ट स्टेज में इसके लिम्फेटिक सिस्टम, सबक्यूनियस टिश्यू, स्किन, प्लूरल पार्ट में से माइक्रोफाइलेरिया लार्वा जो होता है इन ब्लड सबक्यूटियस टिश्यू में पहुंच जाता है और वहां से ये फ्लाई होस्ट इनगेस्टिंग बाय बाइटिंग इंसेक्ट, जब कोई कीट काटता है देख रहे हैं गेस्टिंग बाय बाइट कीट, जो कोई भी इंसेक्ट काटता है जैसे मॉस्किटो हुआ, ब्लाइक फ्लाई हो रहे, हाउस हार्स फ्लाई हुई और डियर फ्लाई, कोई भी इंसेक्ट यदि काटता है तो उसके काटने से डेवलप टू इन्फेक्टिव लार्वा इन द इंसेक्ट इंटरमीडिएट होस्ट, जो इंटरमीडिएट होस्ट है उससे इन्फेक्टिव लार्वा डेवलप होता है और डेवलप होने के बाद उसका ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन व्हाइल टेकिंग ब्लड मेल फ्रॉम ह्यूमन, जब वह इंसेक्ट मनुष्य कारक चूसता है अर्थात मनुष्य को काटता है उस समय उसके रक्त जब चूसता है उसी समय ट्रांसमिशन होता है उस लार्वा का और वह पुनः लार्वा ह्यूमन होस्ट और ह्यूमन होस्ट से इंसेक्ट जैसे क्यूलेक्स मॉस्किटो है उसके सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाता है, वहां से पुनः एक नॉर्मल पर्सन में और यही क्रम चलता रहता है और इसी को समरी लाइफ साइकिल ऑफ फाइलेरियल वार्म बाउचेरिया वाइनकोफ्टाई का जीवन चक्र द्विपोषदी पूर्ण हो जाता है। थैंक यू।